तो ऐसे ही देश परेशान है वर्ण और जाति से, पता ही नहीं चल रहा है कौन किस जाति का कौन किस वर्ण का। जाति और वर्ण, जाति और वर्ण, जाति और वर्ण, घर में लगी है आग, बेटा सुन रहा नहीं बात, लड़की आती 10 बजे रात, एक भी सुंदर नहीं हुई हमारी प्रभात, और फिर भी हम पड़े हुए हैं धर्म और जात, वर्ण और जात, पता नहीं क्या है। वैसे धर्म की परिभाषा आप सीख लीजिए अगर आप धार्मिक लोग हैं, बीइंग एंड बिकमिंग, स्वयं बचना, स्वयं को बढ़ाना, लोगों को बचाना और लोगों को बढ़ाना, इसके सिवा कोई धर्म नहीं होता, बाकी पंथ होते हैं, मजहब होता है। हमने तो धर्म के परिभाषा भी बदल दी है, और मजे की बात यह है कि हमने आइडियल किसको बनाया है संसार में आज, हमारे आइडियल कौन कौन है। मैं तुमसे अभी कहूं 50 मुझे महापुरुषों का नाम लिख के दो, 50, घबरा जाओगे, और दोगे भी तो असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी कि किसको किसको तुम महापुरुष मानते हो। वो जो धनवान है वो महापुरुष है तुम्हारे लिए, वो जो पद पर बैठे हैं वो तुम्हारे लिए महापुरुष है। महापुरुष का और एक पूर्ण मनुष्य का परिभाषा ही ये राष्ट्र नहीं जानता। हमने ग्लैमर परोसा है इस भारतवर्ष में, और पूरी दुनिया ग्लैमर में जी रही है, हमारा भारतवर्ष भी उसी में डूब गया, पाश्चात्य संस्कृति आ गई। हम बच्चों को, बच्चियों को प्रातः से लेकर रात्रि तक क्या देते हैं, वो वही तो बनेंगे जो हम देते हैं। तुम टीवी में उन्हें क्या दिखाते हो, वो कौन से चैनल देखते हैं, आपको पता नहीं वो इंटरनेट पे क्या देखते हैं। बड़े मासूम बने हैं आप, पिताजी हैं, इतने मासूम तो हो नहीं, लगते तो नहीं हो। वो इंटरनेट्स का क्या उपयोग करते हैं रात्रि में, क्या तुम्हें पता नहीं व्हाट्सएप का क्या करते हैं, वो फेसबुक का क्या करते हैं, तुम नहीं जानते। रोज तुम्हारे ही यहां हजारों केसेस आते हैं कि लड़कियों को आत्महत्या करना पड़ता है फेसबुक के कारण, व्हाट्सएप के कारण, इंटरनेट के कारण, आपको पता नहीं।